नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिया। शाम के 7 बज रहे हैं, अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत आज हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने रेलवे और तमाम सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ रेलवे ट्रैक का स्थलीय निरीक्षण किया और इस मामले की जांच पड़ताल के बाद कमिश्नर का कहना है कि अभी गौला नदी के बढ़ते उफान के चलते रेलवे स्टेशन को भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में कैसे रेलवे के संचालन बेहतर हो सके, इसको लेकर काम किया जाएगा। पूरे प्रदेश में बारिश अब कहर बरपाने लगी है। नैनीताल जिले में करीब 80 करोड़ से भी अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस पर DM वंदना सिंह का कहना है कि पहले ही समस्त विभागों से प्राप्त आंकड़ों को देखें तो 30 करोड़ का नुकसान हो चुका था। वहीं अब लगातार 2 दिन की बारिश के कहर से जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जा रहा है। इसी के साथ हल्द्वानी में रक्सिया और कलसिया से जो परिवार प्रभावित हुए हैं उनमें 202 परिवार को राहत राशि प्रदान की गई है। शहर के गौला बैराज में सप्लाई नहर क्षतिग्रस्त होने से जल संस्थान के फिल्टर प्लांट में पानी की आपूर्ति बंद है, जिससे पानी का शोधन नहीं होने से हल्द्वानी शहर में पेयजल आपूर्ति ठप हो गई है। शहर के घरों में बुधवार सुबह से पानी नहीं पहुंच पाया है। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता रविशंकर लोशाली के अनुसार पानी की आपूर्ति के लिए 4 दर्जन टैंकरों से लगाया गया है, जरूरत के अनुसार इनकी संख्या को और बढ़ाया जा सकता है। गौलापार के क्षेत्र के विजयपुर गांव से ग्रामीण सड़क की मांग के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि आज़ादी के इतने साल बाद भी शहर से महज 5 किलोमीटर दूरी पर बसे गांव में सड़क नहीं बना जा सकी है और सड़क नहीं होने से गांव के बच्चों को स्कूल जाने के साथ ही ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़क का निर्माण नहीं होने पर प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। शहर में मंगलवार को हुई भारी बारिश के चलते अधिकतर नाले उफान पर रहे। नालों के उफान पर होने के कारण आसपास में रह रहे लोगों के घरों में मलबा जमा हो गया। मेयर जोगेंद्र रौतेला और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय सहित निगम के समस्त अधिकारी और कर्मचारी बुधवार को ग्राउंड जीरो पर रहे और इस बीच डमुआ डूंगा क्षेत्र में बहने वाले रक्सिया नाले का रुख एक व्यक्ति द्वारा आबादी क्षेत्र कर अवैध रूप से कार्य किया जा रहा था, जिस पर निगम टीम ने कार्रवाई करते हुए JCB मशीन जब्त कर ली गई। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।